वी आर गोइंग टू रिव्यू फिलिप्स सेल्फी स्ट्रेटनर, जिसमें हम कवर अप करेंगे कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल्स, यूजेस, प्रोज एंड कॉन्स। हाय गाइस, हर्षिता दिस साइड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हर्षिताज इनसाइट्स। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं उसका मॉडल नंबर है फिलिप्स स्ट्रेटनर BHS 384। गाइस, फिलिप्स में दो और ऐसे स्ट्रेटनर्स हैं जो कि लगभग सेम इसके जैसे ही दिखते हैं। उनका मॉडल नंबर है BHS 385 एंड BHS 386। इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को कि कौन सा परचेस करे, कौन सा बेस्ट रहेगा तीनों में से। इस पे आपको डिफरेंस वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, जरूर चेकआउट करना और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के प्रोडक्ट रिव्यू पे आते हैं। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर मॉडल नंबर BHS 384 सेल्फी स्ट्रेटनर इंस्टेंटली रेडी विथ एक्स्ट्रा कंट्रोल। ये पर्पल कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है जिसपे प्रोडक्ट के फीचर्स मेंशनड है, लाइक सिल्क प्रो सेरामिक 99mm लॉन्ग प्लेट्स, टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग, फास्ट हीट इन 60 सेकेंड्स। ये प्रोडक्ट 2 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है। गाइज, इस स्ट्रेटनर को 3 ईयर्स हो गए हैं ऑलरेडी, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैनुअल भी आता है, इसे देखकर ही पता चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसका MRP है 1745 रुपीज़। मैंने इसे Amazon से परचेस किया था डिस्काउंट में 1299 रुपीज़ में, दैट मीन्स 1300 रुपीज़ में मैंने इसे परचेस किया था। ये है हेयर स्ट्रेटनर जो कि मैट पर्पल कलर में है। स्ट्रेटनर के इनर साइड में ब्लैक कलर देखने के लिए मिलेगा। ये कलर कॉम्बिनेशन पर्पल एंड ब्लैक का मुझे प्रीमियम लगा। टॉप पे कंपनी ब्रांडिंग की गई है। इसका कॉर्ड लेंथ 1.6 मीटर है और ये कॉर्ड 360 डिग्री रोटेट होता है, जिससे स्ट्रेटनर को यूज़ करते टाइम दिक्कत नहीं आती। कॉर्ड एंड प्लग दोनों की क्वालिटी अच्छी है। ये प्लग अच्छे से फिक्स हो जाता है स्विच बोर्ड में, लूज़ नहीं पड़ता तो निकलता भी नहीं है। फिलिप्स है यार, ऑब्वियसली क्वालिटी तो मिलना ऑब्वियस है। इसमें स्टोरेज हुक भी दिया है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये है स्लाइड बटन जिसमें 0, 1 एंड 2 इंडिकेट किया है। अगर ये 0 पे है मींस स्ट्रेटनर ऑफ है। अगर हम आगे पुश करेंगे और 1 पे लेके जाएंगे तो ये 190 डिग्री सेल्सियस पे हीट होगा। इसे हम और आगे पुश करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे रहेगा मींस 210 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है हेयर्स को स्ट्रेट करने के लिए और ये इसका हाईएस्ट हीट टेम्परेचर है। इसी स्लाइड से हमें स्ट्रेटनर को ऑन ऑफ और टेम्परेचर सेट करने में स्ट्रेटनर को ऑपरेट करना है। यहाँ पे पावर इंडिकेटर लाइट है। जब हम स्ट्रेटनर को टेम्परेचर पे सेट करके यूज़ करेंगे तब ये येलो हो जाएगा। ये स्ट्रेटनर 40-45 वॉटेज पे काम करता है। स्ट्रेटनर के बॉटम साइड पे एक लॉक की है जिससे ये स्ट्रेटनर की प्लेट्स लॉक और अनलॉक हो जाती है। दोनों प्लेट्स को साथ में रखो और की प्रेस कर दो तो ये लॉक हो जाती है और अगेन की प्रेस करो तो ये ओपन हो जाती है। इस फीचर की वजह से ये बेस्ट ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इन प्लेट्स में जो सिल्क प्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है जिसमें लेस हीट एक्सपोजर होता है और ये हमारे हेयर्स को डैमेज भी कम करता है। इस पे पिंक कलर की सेरामिक कोटिंग की गई है, वो भी काफ़ी अच्छे से है। ओवरऑल प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये है मेरे नेचुरल वेवी हेयर्स, मीडियम लेंथ है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। मैं अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल। कुछ लोग हेयर सीरम भी लगाते हैं। देखा जाए तो दोनों प्रोडक्ट्स हेयर्स में नेचुरल शाइन लाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैसे तो हेयर्स पे स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले हीट प्रोटेक्टेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए हमेशा, क्योंकि जितनी बार हमारे हेयर्स को हम हीट देते हैं वो उतने ज़्यादा डैमेज होते जाते हैं। मैं अपने हेयर्स स्ट्रेट बहुत ज़्यादा कम करती हूँ तो इतनी नीड नहीं है मुझे कि मैं हेयर प्रोटेक्टेंट लगाऊँ। कभी कभी करती हूँ तो एलोवेरा जेल से काम चल जाता है। बट जो लोग हर हफ्ते या हर महीने हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं उन्हें हीट प्रोटेक्टेंट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर आपके हेयर्स में टैंगल्स ना हो, इसीलिए आपको अच्छे से कॉम करना है। जब भी हम हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करें हमारे हेयर्स हमेशा शैम्पू से क्लीन एंड ऑयल फ्री रहना चाहिए। मैंने अपने हेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है जिसमें मैं छोटे छोटे पार्टीशन ले रही हूँ, जिस पे मैं इस हेयर स्ट्रेटनर को यूज़ करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर विजन मिले। ये मिनिमम हीट 190 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम हीट 210 डिग्री सेल्सियस पे क्या रिजल्ट देता है। स्विच ऑन करने के बाद इसे हम स्लाइड बटन की हेल्प से ऑन करेंगे एंड मिनिमम 190 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर देंगे।
स्ट्रेटनर विद इन 1 मिनट में हीट हो जाता है और हम इसे यूज कर सकते हैं। ये रही फर्स्ट स्लाइड, आप रिजल्ट देख सकते हो, इसने स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है 190 डिग्री सेल्सियस पे भी, और फर्स्ट स्लाइड में भी काफी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। इवन दो मुझे लग रहा है कि एक स्लाइड और करना चाहिए, थोड़े से हेयर्स जो है ना वो थोड़े से वेव्स दिख रही है अभी उसमें, तो हम एक स्लाइड और करेंगे। आप देख सकते हो सेकेंड स्लाइड में इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, इसने बहुत अच्छे से हेयर्स को स्ट्रेट कर दिया है। इसके बाद में अब मुझे नहीं लगता कि कोई और स्लाइड लगाने की ज़रूरत है। गाइज अब मैं इसे मैक्सिमम हीट 210 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर रही हूँ एंड देन यूज़ कर रही हूँ। ये स्ट्रेटनर हेयर्स पे बहुत स्मूथली वर्क करता है, मुझे इसकी ये बेस्ट चीज़ लगी सीरियसली, और इसमें हेयर्स बिल्कुल भी नहीं फंसते हैं। आप इसकी फर्स्ट स्लाइड का रिजल्ट देखो, कितना क्लीन रिजल्ट है और हेयर्स कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं। ऑल्दो मुझे लग भी नहीं रहा कि मुझे सेकेंड स्लाइड यूज़ करनी चाहिए इसके बाद, बट फॉर यू गाइस मैं आपके लिए भी सेकेंड स्लाइड यूज़ करके दिखा रही हूँ कि उसके बाद ये और कितने अच्छे से हेयर्स को स्ट्रेट कर सकता है। टू हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस पे तो आप बहुत अच्छे से अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हो, परफेक्ट रिजल्ट है इसका। ये साइड है 190 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रेट किए हुए हेयर्स एंड ये है 210 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रेट किए हुए हेयर्स। यू कैन सी दोनों टेम्परेचर्स पे ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। गाइज हेयर इज द फाइनल रिजल्ट, मेरे हेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, एक नेचुरल टेक्सचर एंड शाइन दिख रही है, हेयर्स काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं। जब भी मैं हेयर्स स्ट्रेट करती हूँ मेरे एक्सप्रेशन सीरियसली ऐसे ही रहते हैं जैसे आप देख रहे हो। ये कंप्लीट हेयर्स स्ट्रेट मैंने मैक्सिमम 10 मिनट्स में कर लिए हैं। मैं नॉर्मली ऐसे ही करती हूँ, और भी तरीके होते हैं स्ट्रेट करने के, मे बी आप मुझसे और ज़्यादा अच्छे से कर सके। आप मेरे हेयर्स के एंड्स देखिए, कोई रफनेस नहीं लग रही वहाँ पे, और इवन और नॉर्मल टेक्सचर ही दिख रहा है। तो बात करते हैं प्रोडक्ट प्रॉस की। एज आई टोल्ड यू कि ये प्रोडक्ट 2 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है एंड ऑलरेडी मैंने इसको 3 ईयर्स यूज कर लिया है और मुझे आज तक इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं लगा। ये हेयर्स पे बहुत स्मूथली वर्क करता है एंड गाइज बहुत अच्छा फील होता है जब हम इससे अपने हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं। ये हेयर्स में एक नेचुरल शाइन भी लाता है। सबसे बेस्ट चीज ये है कि हमें स्ट्रेटनर से ही इसे ऑन और ऑफ करना होता है, जो कि काफी इजी लगता है। बार बार हमें स्विच बोर्ड के पास नहीं जाना पड़ता है ऑन और ऑफ करने के लिए। इस हेयर स्ट्रेटनर से हम हेयर स्ट्रेट तो कर ही सकते हैं, साथ में फ्लिक्स भी बना सकते हैं और थोड़ा बहुत कर्ल भी कर सकते हैं। गाइज ये दोनों टेम्परेचर पे इक्वल काम करता है और इवनली हीट ट्रांसफर करता है हेयर्स में और हेयर्स को काफी ज्यादा मैनेजेबल बना देता है। मुझे ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। इस स्ट्रेटनर की लेंथ मीडियम है, ना ज्यादा स्मॉल ना ज्यादा लार्ज, इनफ स्पेस होता है इसको पकड़ने के लिए और जो हीटिंग प्लेट्स है वो काफी आगे होती है। जब वो गर्म होती है तो उसकी हीट हमारे हाथ तक नहीं पहुंचती, काफी सेफ प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, जब हम इसको यूज करते हैं तब हमारे इसमें हेयर्स बिल्कुल भी नहीं फंसते। ये प्रोडक्ट मुझे कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, ट्रेवल फ्रेंडली एंड इजी टू यूज लगा। इवन आप इसको अपने स्कैल्प के पास से भी स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो प्लेट्स है काफी स्लिक है। सबसे बेस्ट चीज कि आपको यहाँ पे किसी सेकेंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है हेयर स्ट्रेट करवाने के लिए, आप खुद से अपने हेयर स्ट्रेट कर सकते हो। मैं पर्सनली खुद से ही खुद के हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ। गाइस मुझे इसका टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर मान लो सैलॉन लाइक स्ट्रेट हेयर्स चाहिए तो हम इसे 210 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके देन हेयर्स स्ट्रेट करेंगे, और अगर मान लो हेयर्स ठीक दिख रहे हैं बस हमें थोड़ा सा टचअप की जरूरत है, हल्का सा शेप देना है, तो हम इसको 190 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके देन अपने हेयर्स में यूज करेंगे। ज्यादा हीट क्यों दें हम हमारे हेयर्स को, ज्यादा हीट जाती है तो हेयर्स ज्यादा डैमेज भी होते हैं, तो इस चीज का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। लाइक हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करके देन यूज कर सकते हैं। मुझे ये स्ट्रेटनर काफी हैंडी लगा, जब हम इसे यूज करते हैं उसके बाद में हैंड्स में किसी टाइप का पेन और स्ट्रेस फील नहीं होता।
गाइज, एज पर माई यूजर्स एंड एक्सपीरियंस मुझे प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। मैं हैप्पी हूँ इसके रिजल्ट से। ये हेयर्स को काफी अच्छा नेचुरल फिनिश देता है। एंड गाइज, ये प्रोडक्ट मुझे काफी अफोर्डेबल लगा, अंडर 1300 rupees फ्रॉम द ब्रांड फिलिप्स। और ये प्रोडक्ट मेरे वेवी हेयर्स मीडियम लेंथ के लिए बेस्ट है। और गाइज, ये प्रोडक्ट बिगनर्स के लिए, जिनके वेवी हेयर्स है और मीडियम हेयर लेंथ है, उनके लिए बेस्ट है। और इसको आप डेली यूज भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जिनके लॉन्ग हेयर्स है, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि वो थोड़ी बड़ी प्लेट्स वाले स्ट्रेटनर ले, क्योंकि अगर वो इससे करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उनको, तो मे बी वो थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन था, बाकी अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्स की। जिनके हेयर्स कर्ली है, अगर वो इस हेयर स्ट्रेटनर को यूज करेंगे तो उनके हेयर्स को स्ट्रेट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और मे बी स्ट्रेट ना भी हो, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 210 degrees Celsius, और जो कर्ली हेयर्स को स्ट्रेट करने के लिए टेम्परेचर का यूज किया जाता है वो है 230 degrees Celsius या फिर उससे भी ज्यादा। तो उनको टेम्परेचर को लेके थोड़ी दिक्कत आएगी ही। अगर कर्ली हेयर्स वाले इस स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगे हेयर्स को, तो उन्हें बहुत बार स्लाइड का यूज करना पड़ेगा, जिससे उनके हेयर्स डैमेज भी हो सकते हैं। तो कर्ली हेयर्स वाले इसे प्रेफर बिल्कुल भी ना करें। गाइज, अब मैं आपके साथ में जो पॉइंट शेयर करने वाली हूँ वो कुछ लोगों के लिए प्रोडक्ट का कौन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल चीज हो सकती है। मेरा मानना है कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू कि जब हम इस स्ट्रेटनर को यूज करना स्टार्ट करते हैं, विद इन 5 minutes प्लेट्स के ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो गर्म हो जाता है। दैट मीन्स कि आप वहां पे टच भी नहीं कर सकते, आपकी स्किन वहां पे टच नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वहां पे जैसा आपको गरम गरम लग जाएगा और मे बी हर्ट हो सकता है। तो आपको इस स्ट्रेटनर को सिर्फ एक हाथ से ही यूज करना है, दूसरा हाथ इस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और जब हम इस स्ट्रेटनर को यूज कर लेते हैं, उसके बाद में भी ये स्ट्रेटनर को ठंडा होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक तो इसे हमें हीट रेजिस्टेंट वाली जगह पे रखना होता है, या फिर ऐसी जगह रखो जहां पे कोई दूसरा प्रोडक्ट इस स्ट्रेटनर के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। या फिर वो जो उसमें स्टोरेज के लिए दिया गया है, उसको आप अपने ऐसे केल पे टांग सकते हो, और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद में अपनी जगह पे रख सकते हो। वैसे तो ये चीज पता है, बहुत से ब्रांड्स है जिनके स्ट्रेटनर्स में ये चीजें होती है, बट कुछ ब्रांड्स ऐसे भी है जिसमें नहीं भी होती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये कुछ लोगों के लिए कॉमन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल चीज हो सकती है। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या कंसिडर करते हैं। आई विल रेट 4.5 out of 5 टू दिस प्रोडक्ट, एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड ओनली फॉर दोज पीपल जो कि बिगनर्स हैं, जिनके वेवी हेयर्स है और मीडियम हेयर लेंथ है। आई होप मेरा प्रोडक्ट रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कंपेयर करेंगे इन तीनों हेयर स्ट्रेटनर्स को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।